एक चश्मा, एक बंडी, दो कुर्ता, दो पैजामा, दो जोड़ी टायर की बनी चप्पलें और एक घड़ी जो चोरी भी हो गई। अब तक एक चित्र आपके जहन में बन चुका होगा, एक शख्सियत का आपको पता चल गया होगा। ये कोई और नहीं बल्कि झारखंड राज्य की नींव रखने वाले और इसे अस्तित्व में लाने वाले, मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले कॉमरेड एके राय हैं। एके राय जिनके रग रग में क्रांति की लहू प्रवाहित होती थी, जिनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, गरीब मजदूर किसान के हित के लिए जीवन अर्पण हो, जिनके लिए कमरे में एक तख्त, कुछ किताबें, अखबार, अखबारों में छपी कुछ खबरों की कटिंग और कमरे के कोने में रखा लाल झंडा ही जमा पूंजी रही, जिन्होंने सांसद बनने के बावजूद अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक एक रुपया पेंशन नहीं लिया, जो अपनी विचारधारा के प्रति इतने ईमानदार थे कि कोयले की नगरी धनबाद में सांसद और सिंदरी में विधायक रहने के बावजूद मजाल है कि आज तक कोयले की एक कालीख भी उनके सफेद कुर्ते को दाग कर सके। सादा कुर्ता, सादा जीवन, यही एके राय की पहचान बनी रही। आज हम इनके बारे में आपको इसलिए रूबरू करा रहे हैं क्योंकि आज इस महान शख्सियत की 5वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह दिया था। आज भले ही वह इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचार सदा के लिए अमर हो गए। अगर आप झारखंड के किसी भी कोने में रहते हैं या इससे बाहर भी रहते हैं, तो भी आपको एक बार एके राय की क्रांतिकारी विचारधारा, उनकी सादगी, उनकी विनम्रता, उनके संवेदनशीलता का स्वाद एक बार तो जरूर चखना चाहिए। आपको उनकी जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर हम और आप जैसा एक आम सा शख्स बांग्लादेश से आकर आदिवासियों, मूलवासियों के लिए एक अलग राज्य की कल्पना को कैसे साकार बना गया, कैसे वह मजदूरों का देवता बन गया। ऐसा क्या था उनके विचारों में जो आज भी गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित उनकी विचारधारा को सर्वोपरि मानते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। सबसे पहले उनकी जीवनी को एक टाइमलाइन के जरिए जानते हैं, उसके बाद उनके विचारों पर बात करेंगे, उनसे संबंधित कुछ किस्से भी हैं जो आपको हम आज बताएंगे। एके राय का पूरा नाम अरुण कुमार राय था। उनका जन्म 15 जून 1935 में पूर्वी बंगाल के राजशाही जिले के सापुरा नामक गांव में हुआ था। यह स्थान अब बांग्लादेश में है। सन 1951 में नवगांव विलेज स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। साल 1953 में वेल्लूर के रामकृष्ण मिशन स्कूल से आईएससी की। 1955 में कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज आए, यहां से बीएससी की डिग्री हासिल की। 1959 में कोलकाता विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ये थी उनकी शैक्षणिक योग्यता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने साल 1961 में सिंदरी पीडीआईएल में नौकरी भी की। 1966 में उनके जीवन ने करवट ली जब कोयलांचल के कामगारों की दशा देख उनके दिल में एक गहरी चोट ने घर कर लिया। ये चोट उन्हें बार बार टीस देता रहा, इससे आहत होकर उन्होंने फौरन नौकरी छोड़ने का निर्णय किया और इसी चोट ने उन्हें वामपंथी विचारधारा से जोड़ने का भी काम किया। एके राय ने वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर किसान संग्राम समिति और मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया। इसी विचारधारा के साथ उन्होंने राजनीति में कदम भी रखा। साल 1977, 1980 और 1989 में धनबाद के सांसद रहे। साल 1967, 1969 और 1972 में 3 बार सिंदरी के विधायक भी बने। झारखंड अलग राज्य की कल्पना तो बहुत से आदिवासी मूलवासी नेताओं ने की थी, लेकिन एके राय ने झारखंड का ना होते हुए भी इस सपने को साकार करने में महती भूमिका निभाई। वही झारखंड आंदोलन के सूत्रधार बने। एके राय शिबू सोरेन और विनोद बाबू को एक मैदान में लेकर आए और साथ मिलकर झारखंड के लिए संघर्ष किया। जेपी आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मजदूरों के लिए एके राय ने कई लड़ाइयां लड़ी। सुदामडी वाशरी के स्लरी मजदूरों के लिए 18 वर्षों तक लड़ाई लड़कर कोयला कंपनी में मजदूरों को स्थायी नौकरी दिलाई। इस वजह से उनके राजनीति विरोधी भी उनके सादगी के कायल थे। राय साहब ने मानव सेवा को ही अपने जिंदगी का मकसद बना लिया।
कभी खुद के जीवन की परवाह नहीं की, खुद का परिवार नहीं बसाया, उन्होंने तो शादी तक नहीं की। उनके तीन भाई और एक बहन है जो कोलकाता में रहते हैं। एक बार की बात है, एके राय बीमार पड़ गए थे तो उनके भाई तापस राय उन्हें देखने धनबाद आए थे, लेकिन तब भी राय साहब ने उनके साथ न जाकर कार्यकर्ता के साथ ही रहने की जिद की थी। उनके बारे में एक किस्सा बड़ा दिलचस्प है, जिससे आप एके राय का मजदूरों के साथ लगाव, उनकी सादगी बेहतर रूप से समझ पाएंगे। उनके एक कमरे वाले मकान में एक बार एक चोर घुस आया। उसने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन चोरी करने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिल सका। इस बीच राय साहब की नींद खुली और उन्होंने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। दीवार की खूंटी पर टंगे एक कुर्ते की तरफ इशारा करते हुए बड़े ही विनम्रता के साथ कहा कि उसमें 2000 रुपए पड़े हैं, वह ले जाओ। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राय साहब से पूछा कि उन्होंने चोर को चोरी करने क्यों दे दिया। तब एके राय ने जवाब दिया कि चोरी करना तो उसकी मजबूरी है, आखिर है तो वह भी एक मजदूर ही। जब वह अपना पेट पालने के लिए इतनी मशक्कत कर रहा है तो उसका मेहनताना तो बनता है। राय साहब की नजर में चोर भी मजदूर था। मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ते ही उन्होंने ऐश्वर्याम की जिंदगी को सदा के लिए अलविदा कह दिया था। एके राय का ना कोई बैंक बैलेंस, ना अपना मकान और ना ही गाड़ी थी। मासिस का कार्यालय ही सालों तक इनका बसेरा बना रहा। बाद में नुनुडी निवासी मासिस कार्यकर्ता सबूर गोराई के साथ वह एक कमरे वाले मकान में रहने लगे। एक चौकी पर ही हमेशा उनका बिस्तर सजा। सोते वक्त घर के कमरे में लगे पंखे को भी वह नहीं चलाते थे। संगठन के कार्यकर्ता मजदूर ही उनके परिवार थे। जब वे सांसद थे तब भी जनरल बोगी में सफर करते थे। सांसद बनने के बाद उन्होंने कभी एक रुपया भी पेंशन के तौर पर नहीं लिया। सांसदों का वेतन बढ़ने का मामला जब सदन में उठा तब एके राय ही एकमात्र ऐसे सांसद थे जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। उनका विचार था कि देश के मजदूर और गरीबों को जब दरी तक नसीब नहीं तो हम कैसे शानदार पलंग पर सो सकते हैं। झारखंड आंदोलन और राजनीति पर वे आजीवन लिखते रहे। उनकी एक फेमस बुक भी है, झारखंड और लालखंड, योजना और क्रांति के नाम से। अंग्रेजी में बिरसा से लेनिन और दलित क्रांति के अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने कई आलेख भी लिखे। राजनीति के संत कहे जाने वाले राय साहब आज भी अपने आंदोलन और स्वभाव के कारण लोगों के दिलों में जिंदा हैं। कोयलांचल की आन बान व शान राय साहब को आज भी धनबाद ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड याद करता है। ये थी एके राय की पूरी जीवनी। उम्मीद है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल भी है ग्राम सभा के नाम से, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा।